बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। देखा था क्विक असाइनमेंट आपको करवाया था राइट, और इसके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कवर करवाया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 5B। और इससे पहले के जैसे क्विक असेसमेंट्स या फिर आप 5A नहीं देखे हैं आप, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, और चैनल पर विजिट करने के बाद प्ले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस बाकी एक्सरसाइज के वीडियोज़ मिल जाएगा राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 5B। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राइट द प्रोडक्ट्स राइट, क्या कह रहे हैं हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो आपको जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन मैंने क्विक असाइनमेंट में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए 645 को क्या करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो हमें बताया था मैंने आपको कि अगर इस तरीके के नंबर में अगर आपको 10 के मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो ये डिजिट और उतने जीरो हम लोग लास्ट में रख देते हैं। अभी हम करके भी दिखाएंगे आपको राइट कैसे करते हैं। अभी देखो यहाँ पे 8872 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट यही आ जाएगा। इसको पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये दो जीरो लगा देते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, एंड आफ्टर दैट सेम प्रोसेस इसी तरीके से होगा। तो मैंने बच्चों सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपका टाइम कम लेंगे और आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से। सो अब यहाँ पे देखो क्या है, 645 को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 645 आ जाएगा ठीक है। और उसके बाद क्या है, 10 है तो 10 हमने लगा दिया तो फाइनली हमारा ये रिजल्ट आ गया ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 8872 है, उसको हमें पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एज इट इज यही नंबर आ जाएगा। और फिर क्या है, दो जीरो है तो दो जीरो लगा दो तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये जो 10 का मल्टीपल्स होता है ना बच्चों, इससे मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही इजी होता है ना, थोड़ी सी फील समझ लो आप। अब आप यहाँ पे देखो सी में 305 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 305 ही आ जाएगा। और कितने जीरो हैं, 30 है ना, तो 30 इसके राइट साइड में लगा दो खत्म, और ये आपके रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे देखिए 982 है, तो 982 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करो तो एज दट इज ये नंबर आ जाएगा। और उसके बाद ये जीरो काउंट करो और वही जीरो यहाँ पे लिख दो, ये रिजल्ट आ जाएगा आपको। ज्यादा लंबा मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है। सेम बच्चों ई पार्ट में भी आप देखो 549 है, तो इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज दट इज आ जाएगा, और ये फिर जीरो काउंट करके जीरो लिख दो, आपका आंसर आ गया ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 234 है, तो 234 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद जितने जीरो है वो जीरो लगा दो, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जी में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, क्या है देखो 896 है इंटू 30, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 3 को अलग कर लेंगे तो 896 इंटू क्या गया 3 और 10 हमने कर लिया। अब देखो 896 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ, 2688 आ जाएगा ठीक। अब फिर वही 10 से आ गया तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 0 लगा दो, वही रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपको अलग करके दिया हुआ है, 732 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये रिजल्ट आ गया, और फिर क्या करेंगे 1 से तो वही नंबर आएगा, और 20 है तो 20 लगा दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह का मल्टीप्लीकेशन करना बहुत 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 ईजी होता है ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं बच्चों मल्टीप्लाई करना है, क्या कह रहे हैं मल्टीप्लाई ओके, 1, 10, 100, 1000, 10000, 80000, 125 को क्या करना है 74 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह का मल्टीप्लीकेशन में बच्चों इससे पहले जो मैंने क्विक असेसमेंट करवाया था उसमें डिटेल मैंने 2 डिजिट का 3 डिजिट का 4 डिजिट के नंबर को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ अगर वो वीडियोस देख रखे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। फिर भी मैंने एक को बाय स्टेप वाइज सॉल्व कर रखा है, बाकी को मैंने डायरेक्ट किया है, क्योंकि आप इसको खुद प्रैक्टिस करके अपना आंसर टेली कर सकते हो है ना, प्रोसेस वही है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया, 80125 को अरेंज किया ठीक है। फिर उसके बाद हमने 4 से इस सभी मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। फिर जब 4 से हो गया तो एक डिजिट को क्रॉस किया, अब 7 से मल्टीप्लाई किया ये रिजल्ट आया ठीक है। तो
तो अब ये रिजल्ट आने के बाद हमने 4 से भी कर दिया, 7 से कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी काम खत्म। अब क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट को ऐड करेंगे। तो जब फाइनली जब मैंने ऐड किया ना, राइट, क्या किया बच्चों, ऐड किया, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया, 59। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, राइट, ये क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। आप यहाँ तो चाहो तो कॉमा लगा दो, तो कुछ इस तरीके से 50 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh 59 lakhs 29,250 आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 10 100 1000 10000, तो 79,725 को 846 से क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना, राइट। तो बच्चों आपको क्या करना है, पहले इसी तरीके से अरेंज करना है ना, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद पहले आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 से, फिर 8 से, और फिर तीनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट मैंने ये लिख दिया। हमने डायरेक्ट किया है बच्चों हॉरिजॉन्टल वे में, क्योंकि ऐसे ही करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्विक असेसमेंट में बहुत सारे प्रैक्टिस करवा रखे हैं, राइट। अगर आप वीडियोस आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोस देखो, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से और इजी से कर पाओगे, और उसके बाद आप ये आंसर टैली कर सकते हो, राइट। चलिए अब सी पार्ट में देख लीजिए, सी पार्ट में क्या दिया है आपको। तो सी पार्ट में बच्चों सेम वही है, 1 10 100 1000 10 lakh 4,96,832 को 791 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 10 100 1000 7,850 को 6,925 से मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट आएगा। अरेंज करना आपको आता है, कैसे करना है वो मैंने क्विक असाइनमेंट में अच्छे से करवा रखा है, और बाकी अभी हमने आपको स्टेप समझा ही दिया है। यहाँ पे 2 डिजिट था, फिर आपको 3 में कर लेना, 4 में कर लेना, फिर उसको ऐड कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट यही आएगा बच्चों, है ना। अब यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10000 lakh 3,91,526 को 865 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। वही प्रोसेस वही है जैसे 3 डिजिट को मल्टीप्लीकेशन करना है, या ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लीकेशन दिस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ई में क्या है, 1 10 100 10000 47,035 को 55,600 से मल्टीप्लाई करना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, जो है 1 10 100 1000 10000, राइट। तो क्या है, 7000 है ना, तो आप इन्हें क्या करोगे बच्चों, एक मिनट, 1 10 100 1000 10000 तो 7095 है, इसको हमें क्या करना है, 950 से मल्टीप्लाई करना है। तो 950 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करना है आपको इजी से पता है, आप चाहो तो पहले आप 95 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जीरो से आप एक जीरो लगा देना, वैसे भी रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे ट्रिक्स मैंने क्विक असाइनमेंट में बहुत करवा रखा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों स्टेटमेंट वाला है, तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट को आप जब तक समझेंगे नहीं ना, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैं स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस कर रखा हूँ आपको अच्छे से, कैसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो सारे मैं आपको अभी बताऊंगा, ओके। पहले क्वेश्चन को समझिए। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ रिलीफ फंड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द साइक्लोन हिट स्टेट, ईच फैमिली ऑफ अ सिटी डोनेट्स 250 rupees। हर एक फैमिली को, मतलब एक रिलीफ फंड आया गया स्टेट में, जिसमें हर एक फैमिली को 250 rupees दिए गए। कितने बच्चों, 250 rupees, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फैमिली इन द सिटी वॉज दैट 1 10 100 1000 10000 lakh 1,24,827, तो उस सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज थे 1,24,827 से, तो फाइंड द टोटल अमाउंट डोनेट बाय द फंड। तो उस रिलीफ फंड में टोटल्स अमाउंट्स कितने हुए। तो देखो फाइनली हमें ये तो पता है इस क्वेश्चन में, वी नीड टू मल्टीप्लाई, बट हाउ, कैसे, लेट्स सी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फैमिली तो इतना है, और एक फैमिली को इतना मिला, तो टोटल्स रिलीफ फंड कितने दिए गए, तो इससे क्या करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट यहां तक बात रुकेगी नहीं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाले हैं, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखना। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखा है, तो आप अच्छे से क्लियर समझ पाओगे यहाँ से
देख लो क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इतना है 1,24,827, ठीक है। डोनेट ईच फैमिली, हर एक फैमिली को कितना दिया गया, 250 रुपीज दिया गया। तो टोटल फंड डोनेट, टोटल फंड कितना डोनेट किया, तो 1,24,827 को 250 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 1,10,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 3,12,06,750 रुपीज, इतना जो है बच्चों उस रिलीफ फंड में दिया गया उस सिटी को, जिस सिटी में जो भी आप मान लीजिए कोई विक्टिम्स या कोई महामारी आया तो वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिए गए, कितना 3,12,06,750 रुपीज वहां पे डोनेट किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, अ बिल्डर कंस्ट्रक्ट 235 फ्लैट्स, ठीक है, इन अ सोसाइटी, मतलब एक बिल्डर है जिन्होंने एक सोसाइटी बनाया जिसके अंदर उन्होंने 235 फ्लैट्स बनाए। इफ ईच फ्लैट कॉस्ट इज 49,600, 49,60,400, ठीक है, यानी एक फ्लैट का जो कॉस्ट है वो 49,60,400 है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लैट्स, तो 235 यानी 235 फ्लैट का कॉस्ट कितना होगा, तो सिंपल सी है, वी नीड टू मल्टीप्लाई, कैसे, देखो एक फ्लैट का जो कॉस्ट है वो इतना रुपया दे रखा है और टोटल फ्लैट कितना है 235 है, तो 235 को आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, और जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका टोटल कॉस्ट की फ्लैट निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट आपका क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला है तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना, आंसर तो आ जाएगा बट स्टेटमेंट में कई बच्चे फंस जाते हैं, तो बच्चों मैंने स्टेटमेंट भी लिख रखा है आप लोगों के लिए जिससे कि आप आसानी से अच्छे से लिख पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट, एक फ्लैट का कॉस्ट कितना है 49,60,400, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितना है 235, ठीक है। अच्छा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लैट्स, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो हमने एक फ्लैट का कॉस्ट और टोटल फ्लैट को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 1,10,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 10 crore arab, 1,16,56,94,000 टोटल उस फ्लैट का क्या हो गया बच्चों, कॉस्ट आ गया, क्यों, क्योंकि 235 फ्लैट है और एक फ्लैट का जो कॉस्ट है ना 49,60,400 है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है जिसे आपके अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाता है या आपके स्कूल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट, प्रॉपर स्टेप वाइज आप लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, जितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 25,978 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड ड्यूरिंग अयर्स, ठीक है, कह रहे एक साल में इतने कॉपीज बेच दिया गया, ठीक है। इफ ईच बुक कॉस्ट, एक बुक का जो कॉस्ट है ना वो 4,427 है, तो हाउ मच अर्न फॉर द सेल्स ऑफ दिस बुक, तो वो उस साल कितने अर्न किए, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, यानी इस इतने एक कॉपीज के इतने प्राइस हैं, राइट, ये नंबर ऑफ बुक्स का है, इतने बुक्स उन्होंने बेच दिए तो कितने उनको प्राइस मिला, कितने टोटल पैसे हुए, आप ऐसे समझिए, तो इसे इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, जब इसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक था, आपको क्या करना है, इसको स्टेटमेंट बना करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ना, आप इनको अच्छे से समझिए और अच्छे से करना है। देखो टोटल नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड इन ईयर्स, एक साल में कितने कॉपी सेल्ड किया गया 25,978, और ईच कॉपी का कॉस्ट है, एक कॉपी का कॉस्ट यानी एक बुक का जो कॉस्ट है 427 है, तो टोटल सेल्स ऑफ द बुक्स, टोटल बुक्स कितने सेल हुए, कितने पैसे उसे मिले, तो आप इसे क्या करेंगे, 25,978 को 427 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1,10,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 1,10,92,606, इतने रुपया उन्होंने उस साल में क्या किया बच्चों,
इतने पैसे को उन्होंने बुक क्या किया उस साल सेंड कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, 1,10,92,606, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस थे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अच्छे से आपने इसके स्टेटमेंट भी लिख लिए। तो 5B में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस थे, तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।